एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ वैशाली, आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। आज का वीडियो है प्रॉपर समर स्पेशल। अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं और कलरफुल पिक्चर्स खिंचवानी है तो आज का वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना, आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ और ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन के लिंक दे दिया, मतलब सारे आउटफिट मैंने अमेज़ॉन से खरीदे, सभी के परचेज लिंक है, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। चलो जी, फर्स्ट लुक मैं शेयर करती हूँ मेरे फेवरेट और शो स्टॉपर से। यस, आज हम शुरुआत करेंगे शो स्टॉपर से। फर्स्ट, ब्यूटीफुल एवरग्रीन चिकनकारी, मतलब चिकनकारी कभी कहीं फेल हो ही नहीं सकती मुझे लगता है। सो मैंने ना यहाँ पे शॉर्ट टॉप खरीदा क्योंकि थोड़ा थीम मैंने सोचा था ना कि वेकेशन टाइप का, तो इसलिए शॉर्ट टॉप ले लिया। द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड यूथनिक और इतनी अच्छी चिकनकारी मुझे रिसीव होगी मुझे नहीं पता था। बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड वाइट चिकनकारी जॉर्जेट फैब्रिक में। इसका जो चोली वाला पार्ट है उस पर आपको लाइनिंग मिल रही है, लाइनिंग कॉटन की नहीं है। और इसके ऊपर जो ये थ्रेड वर्क जो आप देख रहे हो ना चिकनकारी का, ये पूरा कॉटन थ्रेड पे है। मतलब मैंने ऐसे भी कुर्तीज़ और टॉप देखे हैं जिसपे ना सिंथेटिक धागा होता है, बट इस पर ना कॉटन का धागा है जिसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। प्लस इस पर ना अगर आप ध्यान से देखोगे मोर का डिज़ाइन है, मोर है, बेल बनी हुई है, नीचे प्रॉपर बेल बनी हुई है हर कली पे, एंड बैक पर भी ये प्रॉपर डिज़ाइन हो रखा है। मतलब सच में शॉर्ट कुर्तीज़ पर अगर जाना चाहते हो, ये वाली कुर्ती एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने इसको रिब्ड स्ट्रेट जीन्स के साथ पहना है। मैंने ना मिंत्रा से खरीदी थी बहुत पहले, मतलब 4-5 साल पहले। अभी तो ये है ही नहीं कहीं भी डिज़ाइन अवेलेबल, बट इसके सिमिलर मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चलो नेक्स्ट है एक बहुत ही सुंदर कॉटन हैंड ब्लॉक प्रिंट पर टॉप। ये है फैशन फितूर ब्रांड से, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, अगर आपने देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ऊपर पूरा बाक प्रिंट एंड नीचे ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है ना। ऊपर बिल्कुल प्लेन है और नीचे की तरफ ये जो बटन्स आप देख रहे हो ना, ये फंक्शनेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना हल्का सा गैप दिया हुआ है, मेटल का बटन है, तभी मैंने आपको कहा। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहना हुआ भी काफ़ी डिफरेंट और क्यूट लग रहा था। पीछे से कुछ इस तरीके से है प्रिंट, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्राइट है और कॉटन मटेरियल पर है। अगर आप क्लासेस वगैरह या फिर कॉलेज वगैरह आप जाते हो तब भी आप ये पहन सकते हो। मुझे तो इस तरीके से कुर्तीज़ को डेनिम्स के साथ स्टाइल करना, स्पेशली इन समर्स, बहुत अच्छा लगता है। जो आउटफिट मैंने पहना हुआ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई नो इसके लिए कमेंट्स आएंगे। ये वाला अगर वीडियो जा चुका होगा, मैं लिंक कर दूंगी, नहीं गया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दी जाएगा। बहुत सुंदर आउटफिट्स हैं उस वाली वीडियो में। और ये जो हुप्स मैंने पहने हुए ये भी मैंने अमेज़ोन से लिए थे, बट बहुत पहले लिए थे। अगर ये अवेलेबल हुए तो मैं इसको भी दे दूँगी, लिंक दे दूँगी इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉटन मटेरियल पर ब्लॉक प्रिंट के साथ मैंने ढूंढ निकाला है एक जंप सूट। यस, ये है फ्रॉम द ब्रांड युफ्ता, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। देखो पूरा सांगनेरी प्रिंट है इसके ऊपर, बैक से जिप है, बहुत आराम से पहन सकते हो। आगे वी नेकलाइन है, हल्का सा क्रोशा लेस की डिटेल है, यहाँ पर अम्ब्रेला स्लीव है और इसमें पॉकेट भी है। प्लस इसमें आपको एक फैब्रिक बेल्ट मिलती है, मैंने इसकी पॉकेट में डाल दी थी ताकि कहीं खो नहीं जाए। हालांकि बेल्ट के लूप्स दिए हुए हैं, आराम से आप बेल्ट बांध सकते हो, फ्रंट पे, बैक पे, साइड पे, कहीं पे बेल्ट बांध सकते हो। मैंने जो उसमें साइज़ पहना हुआ है वो है XL। अब मैं इस तरीके से जंप सूट पर XL साइज़ इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरा लोअर बैक थोड़ा सा हैवी है। अगर आप अपर बैक की साइज़ से जंप सूट ले लेते हो आपको कभी भी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। आप अराउंड टमी और हिप अराउंड एरिया बहुत ज़्यादा टाइट और एकदम फिक्स्ड आता है। सो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगी, या तो इसको लेके आप अपर पार्ट से थोड़ा सा ऑल्टर करा सकते हो। अदरवाइज़ आप देख रहे हो पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है और कंफर्टेबल दिख रहा है। कोई भी कपड़ा अगर आप पहनते हैं, कुर्ती, सूट, कुछ भी, एनीथिंग, अगर वो आपकी बॉडी पे टाइट है ना तो वो आपको तो फील हो गई, देखने वाले को भी तभी के तभी वो फील हो जाता है। तो मेक श्योर कि अपना परफेक्ट साइज़ पहने। नेक्स्ट, अ ब्यूटिफुल स्ट्रैपी ड्रेस, हाई स्टार ब्रांड, इसके बारे में भी मैंने बहुत आपसे बात की है। मैं इसका ना शर्ट्स का एक बार हॉल बनाऊंगी, मेरे पास इसकी शर्ट्स हैं बहुत सारी। देखो इस तरीके से ना नूडल स्ट्रैप का इसका बैंड है जो कि आपको टाई करना है, और इसमें जो मैंने साइज़ इस वक्त पहना हुआ है वो है मीडियम। इसका जो फैब्रिक है, माय गॉड, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो ये वाला फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस इस तरीके से ना टाई एंड डाई वाला इफेक्ट आ रहा है। इसमें आई थिंक एक ग्रीन एंड ब्लू कलर भी अवेलेबल है। जस्ट लुक एट दिस, ब्यूटीफुल घेरा हेवी फैब्रिक, लवली पीस, ये देखो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट पहना हुआ आपने यहाँ पे स्टाइल क्या हुआ? मतलब यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट ये भी बहुत सुंदर है, अतरंगी ड्रेस। फैब्रिक फितूर ब्रांड से मैंने इसमें साइज़ जो पहना हुआ है ट्रायल में वो मीडियम है। देखो अतरंगी ड्रेस में इसको क्यों बोल रही हूँ, ऊपर वाले पार्ट पे कालमकारी फैब्रिक है, नीचे डाबू बागरू, बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट्स के पैनल बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एकदम डिज़ाइनर पीस। फ्रंट पर ये जितनी खूबसूरत है, बैक से भी इतनी ही प्रिटी है। और आई थिंक ये मेरे को नीज़ के नीचे आ रही थी, मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल लेंथ जो कि आप बाहर आराम से पहनकर किसी भी जगह घूम सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, ड्रेसेस की लेंथ छोटी है या फिर कुछ भी आड़े टेढ़े कट के साथ है तो आप वो नहीं पहन सकते हो, बट इसको आप आराम से फ्लॉन्ट कर सकते हो। ये बहुत सुंदर ड्रेस है कॉटन मटेरियल पर। सो पहना हुआ आपने देख लिया है, लिंक आपको पता है कहाँ है। चलो जी नेक्स्ट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके एक कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा वाला लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट, वाओ ब्यूटीफुल ब्राइट तोता ग्रीन कलर, पैरेट बन के घूमते रहना। इसमें भी मैंने साइज़ मीडियम पहना हुआ है और इसकी भी फिट बहुत अच्छी आ रही थी। जो स्ट्रैप्स है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट पर यहाँ पे ना हल्का सा इलास्टिक दिया हुआ है जिससे आपके बस्ट के पास ना लुक बहुत अच्छी आ रही थी। एंड बैक पर भी यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है। आई लव इट, आई लव इट। इसका वेस्ट पर भी आपको इलास्टिक मिलती है, हर जगह से कंफर्टेबल है। एक प्रिंट मिल रहा है आपको सेल्फ प्रिंट, ग्रीन तोता कलर में, मतलब ग्रीन और हल्का सा येलो कलर भी है इसके अंदर। लव इट, ये बहुत सुंदर है। इसको अगर कोई कट स्लीव नहीं पहनता है, इसके ऊपर आप कोई भी वाइट कलर की शर्ट पहन सकते हो या फिर कोई श्रग या डेनिम का जैकेट पहन सकते हो, बहुत क्लासी लगेगा। सो ऐसा मत सोचना कि अगर आप कट स्लीव नहीं पहनते तो आप ये वाले ड्रेसेस नहीं पहन सकते। या ट्राई करो, अच्छा लगता है जब कोई फ्यूजन, मतलब ये ना एक फैशन थेरेपी की तरह हो जाता है अपने लिए। नेक्स्ट और फाइनल शो स्टॉपर, द ब्यूटीफुल इंडिगो ड्रेस। अब हम इतने सारे पैटर्न्स इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिगो को नहीं भूल सकते। और ये ड्रेस सच में बहुत अच्छा फिट आ रहा था। इसमें जो मैंने साइज़ पहना हुआ वो लार्ज पहना हुआ है और इसका ब्रांड नेम भी मैं आपको बता दूँ, इंडियोटोगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो स्ट्रैप्स हैं और ये एडजस्ट कर सकते हो आप, प्लस इसमें जो बटन्स हैं, हाँ फुल्ली फंक्शनेबल बटन्स हैं जो कि यहाँ तक आपकी लोअर बस्ट एरिया ना वहाँ तक है बटन्स जो कि फंक्शनेबल हैं। ब्यूटीफुल फिट और इसमें आपको पॉकेट मिलती है। लव इट, 100% ऑर्गेनिक कॉटन और ब्लॉक प्रिंट के साथ ये ड्रेस है। पहना हुआ आपने देख लिया कैसा लग रहा है। इस वीडियो में जो मैंने कोल्हापुरीज एंड जो भी एक्सेसरीज ट्राई की हैं जितनी भी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, मैं उन सभी को लिंक करने वाली हूँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे चिपक के, स्टे सेफ, बाय।